स्वागत है लाइव टीवी समाचार में। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की तरफ। भगवदीप मानव कल्याण संगठन एवं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के संयुक्त तत्वाधान में होमबार लाइसेंस के विरुद्ध माननीय उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को संबोधित ज्ञापन माननीय उप जिलाधिकारी नरवल को सौंपा गया, जिसमें शराबबंदी की मांग करते हुए नए आबकारी संशोधन को वापस लिए जाने की मांग की गई। एक तरफ सरकार महिलाओं युवाओं के लिए नए कल्याणकारी नियम बना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ शराब के ठेकों को बढ़ावा दे रही है। घर घर शराब अर्थात जहर को बढ़ावा देना निहायत गलत है, जिसका भगवती मानव कल्याण संगठन और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी विरोध करती है और मांग करती है कि इस नए सोमवार आबकारी संशोधन को वापस लिया जाए और प्रदेश को नशा मुक्त घोषित किया जाए। भगवती मानव कल्याण संगठन शाखा नरवल कानपुर नगर। चाहता हूँ भगवती मानव कल्याण संगठन भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी गण, उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट निर्णय 11 मई 2022 सोमवार, जिसके अंतर्गत अब कोई भी अपने व्यक्ति अपने घर में निर्धारित शुल्क जमा करके उस लाइसेंस ले सकता है शराब का, और शराब को घरों घरों में चलाने का जो सरकार का निर्णय है उसी के विरोध में हम लोग माननीय उप जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ये अवगत कराना चाहता हूँ कि इस अध्यादेश को वापस न लिया गया तो ये महामारी के रूप में ये जहर घर घर पहुंच जाएगा। भाइयों बहनों, सरकार का दोहरा चरित्र देखिए। एक तरफ नारी समाज की बात करते, बड़े बड़े विज्ञापन दे करके नारी समाज को प्रोत्साहित करने की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी सुरक्षा, नारियों की और तरह के जारी करके कौन सी संस्कृति आप देना चाहते हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी जो स्वयं एक योगी हैं, मैं उनसे आग्रह करना, जो कैबिनेट का निर्णय इसको तत्काल वापस लिया जाए, और अगर नहीं मानो कल्याण संगठन भारतीय सच चेतना पार्टी दिवस होकर के इस आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा, इसकी सारी जिम्मेदारी प्रदेश शासन की, प्रदेश प्रशासन की, जिला प्रशासन की होगी। मैं सभी अपने पत्रकार बंधुओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं और समाज से भी ये अपेक्षा और निवेदन करता हूं अभियान में अपनी अपनी सहभागिता दें। भारत माता की जय।